वालेकुम। आज मैं आपको अंबाड़े के अचार की रेसिपी बताऊंगी और इसके लिए हमको चाहिए अंबाड़े की भाजी है ये 5 से 6 कटे, 50 ग्राम सूखी मिर्च, मुट्ठी भर करी पत्ता है ये, ऑयल, हल्दी पाउडर, नमक, लहसुन, 1 मुट्ठी भर इमली और ये अचार का पाउडर है। इसको कैसे बनाना है मैं वो बताऊंगी आपको। अब एक पैन में ऑयल डालेंगे, लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, तले गई अच्छी तरीके से। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम उसी तेल में लहसुन डाल देंगे, लहसुन को थोड़ा तल लेंगे, लहसुन को थोड़ा लाल होने तक तलेंगे। अब लहसुन लाल होने के बाद में हम इसमें करी लीव्स डाल देंगे, इमली भी डाल देंगे, एक मिनट तक भून लेंगे इसे। अब ये इमली भी लाल हो गई। अब हम इसमें थोड़ा ऑयल और डालेंगे, हम इसमें अंबाड़े की भाजी ऐड कर लेंगे। अब इसको भी तल लेंगे 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें सूखी मिर्च ऐड कर लेंगे, तली हुई मिर्च, नमक ऐड कर लेंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, अब एक जार में डाल के इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। अब मैं अचार मसाला बना लूँगी। 1 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून राई, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा। अब इसको भून लेंगे हम। भुनने के बाद में इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम इसको पीस लेंगे तो ये अचार पाउडर ऐसे तैयार हो जाएगा। अब हम ये भाजी को पीस लेंगे। वन टी स्पून
अचार पाउडर डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे इसमें, अब पीस लेंगे इसको। अब ये अचार रेडी हो गया, अब हम इसको बघार लेंगे। अब हम अचार को बघार लेंगे, ऑयल डालेंगे, राई, जीरा, सूखी मिर्च, मूंग दाल, करी लीव्स, इसे बघार लेंगे हम। अब हम अचार को इसमें डाल देंगे, लो फ्लेम तक 5 मिनट के लिए पकाएंगे। और ये अचार 1 मंथ तक खा सकते रख के। अब ये अचार तैयार है, अब हम इसको एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के रख देंगे।